हेल्थ कॉर्ड फिश ऑयल कैप्सूल्स के बीच में असेंशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फिश ऑयल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो इस फिश ऑयल को जो है कोल्ड वाटर फिशी से जो है एक्सट्रैक्ट किया गया है जो कि अंटार्कटिका सी में पाई जाती हैं। हेल्थ कार्ड फिश ऑयल जो है जो अल्ट्रा प्योर प्रोसेस के द्वारा जो है इसको रिफाइन किया जाता है, माइक्रो फिल्ट्रेशन की जाती है और रिफाइंड किया जाता है ताकि जो भी टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैं जैसे कि मर्करी उनको रिमूव किया जा सके। तो जब ये कैप्सूल जो है जब इनको हम लोग जो है कंज्यूम करते हैं तो इसमें से कोई भी फिशी स्मेल वगैरह टेस्ट वगैरह नहीं आता है और ये हैवी मेटल से फ्री होते हैं। अगर हम लोग जो है कंपोजिशन की बात करें तो हर एक सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स के बीच में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स 1000 mg जो है प्रेजेंट होता है। EPA जो है इकोसा पेंटा इनोइक एसिड 180 mg प्रेजेंट होता है। DHA जो कि डकोसा हेक्सा इनोइक एसिड होता है और जो कि 120 mg प्रेजेंट होता है। तो ये फिश ऑयल जो है ये हेल्प करता है आप लोगों के हर्ट और ब्रेन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और इसके बीच में रिच सोर्स होता है DHA और EPA का जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आप लोगों के हर्ट की हेल्थ के लिए। ये फिश ऑयल जो है जो आप लोगों की विजन प्रॉब्लम को जो है इम्प्रूव करेगा और DHA जो है ये आप लोगों के ब्रेन डेवलपमेंट और मेमोरी फंक्शंस को बूस्ट करेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं जो कि DHA और EPA के साथ आप लोगों को मिलेगा जो कि आप लोगों की जॉइंट सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करेगा। जॉइंट पेन को भी जो रिड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्थ कार्ड ओमेगा 3 सप्लीमेंट जो है एक नेचुरल प्योर और एब्सोल्युटली सेफ माना जाता है यूज़ करने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है आप लोगों के हेल्थ के लिए और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और आप लोग जो है लंबे समय तक जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग जो है बेनिफिट्स की बात करें तो ये आप लोगों के हर्ट हेल्थ जॉइंट्स को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इम्प्रूव करता है आप लोगों के ब्रेन पावर्स को और मेमोरी को भी बूस्ट करता है, आई विजन को इम्प्रूव करता है, मसल बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हेयर ग्रोथ और स्किन केयर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आप लोगों की बॉडी के वेस्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लड सर्कुलेशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं एक गुड टाइप के असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आप लोगों की बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिश ऑयल जो है इसके बीच में 180 mg EPA और 120 mg DHA जो है प्रेजेंट है जो कि आप लोगों की बॉडी के बीच में जो भी बैड फैट्स हैं तो उनको जो है कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो भी आप लोगों के चैलेंजेस हैं लाइफ के जैसे कि आप लोगों को रेगुलर डाइट से जो है अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रॉपर वे से नहीं मिल पाते हैं तो उन कंडीशन में आप लोग इन सप्लीमेंट का यूज़ कर सकते हैं और अपनी फुलफिल को फिल कर सकते हैं। तो आप लोगों को डेली जो है 1 फिश ऑयल कैप्सूल जो है उसको स्वेलो कर देना है कम्प्लीटली विद ग्लास ऑफ वाटर के साथ खाना खाने के बाद। मेंस और वुमेंस दोनों जो है इन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर डोसेज की अगर हम लोग जो बात करें तो आप लोग जो है अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल की एडवाइस भी ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि आप लोगों को कितनी डोसेज जो है इसकी लेनी चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट है ब्रेस्ट फीड करवाती है वुमेन तो उसको अगर इन कैप्सूल का यूज़ करना है तो एक बार उसको अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल की एडवाइस ले लेनी है। हेल्थ कार्ड फिश ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं आप लोगों की हेल्थी स्किन के लिए और जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देता है जिससे कि आप लोगों की स्किन जो है वो हेल्थी और ग्लोइंग स्किन दिखती है। अगर हम लोग जो है कंप्लीट बेनिफिट्स की बात करें तो ये आप लोगों के मसल के स्ट्रेंथ स्टैमिना को जो है प्रमोट करता है, आप लोगों के हर्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है और जो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है आप लोगों की बॉडी के बीच में उसको भी रिड्यूस कर देता है और आप लोगों की हर्ट की हेल्थ को एनहांस करेगा, बढ़ाएगा। तो ये फिश ऑयल सप्लीमेंट जो है जो आप लोगों के ब्रेन फंक्शनिंग को भी जो है इम्प्रूव करता है और साथ में ही आप लोगों की मेमोरी को भी बूस्ट करता है जी। आप लोगों की आई विजन पावर को भी जो है इम्प्रूव करेगा और अगर कोई हैवी ड्यूटी करके आया है, वर्कआउट करता है जिम्स के बीच में तो उस दौरान जे आप लोगों की बॉडी के मसल के टिश्यू को भी जो है बहुत ही फास्ट वे से जो है रिकवर भी करता है जो भी डैमेज्ड मसल टिश्यू होंगे उनको। ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि हाइपरटेंशन आ गई या फिर कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज आ गए और साथ में ही जो भी कोलेस्ट्रॉल बिल्टअप होते हैं हमारी बॉडी के बीच में तो उनको भी जो है ये प्रिवेंट करता है। हेल्थ कार्ड ओमेगा 3 कैप्सूल्स जो हैं जो रिच सोर्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के और जो कि स्किन रिलेटेड इश्यूज को भी जो है प्रिवेंट करता है जैसे कि स्किन एजिंग होना, ड्राइनेस होना, ब्रिटल हेयर होना, उन कंडीशन में भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होते हैं।
तो जे इम्यूनिटी, स्टेमिना और एनर्जी के लिए तो बेटर होते ही हैं, तो इनके बीच में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देते हैं बॉडी से, और जिससे कि आप लोगों की जो इम्यूनिटी होती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने की जो नेचुरल बॉडी की जो क्षमता होती है, या फिर इंजरी के से जो है रिकवर करने की जो पावर होती है आप लोगों की बॉडी के बीच में, तो उसको भी जो है जे इम्प्रूव करता है। बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज़ में जो है इस चीज़ को पाया गया है कि जो हेल्थ कार्डफिश ऑयल है जे लो ब्लड प्रेशर जो है उसको करने में हेल्प करता है, जिनके बीच में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनमें। हेल्थ कार्डफिश ऑयल जो है एक नेचुरल एंटीडोट है एथेराइसिस के लिए, और जे प्रमोट करता है जॉइंट मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में। हेल्थ कार्ड ओमेगा 3 कैप्सूल जो है ये कम्प्लीटली सेफ माने जाते हैं, अगर आप लोग जो है इनका रिकमेंडेड डोसेस में जो है यूज़ करें तो। साइड इफ़ेक्ट्स के बीच में अगर आप लोग जो है डेली डोसेस से लिमिट अगर क्रॉस कर देते हैं तो उससे आप लोगों को लूज स्टूल्स हो सकते हैं, नौसिया हो सकता है, हर्ट बर्न हो सकता है, रैशेज हो सकते हैं। अगर हम जो प्राइस की बात करें तो 60 जो फिश ऑयल कैप्सूल्स हैं तो उसका प्राइस है 369 रुपीज़। तो जब कभी भी आप लोग जो है किसी भी मेडिसिन को कहीं से भी खरीदें तो या फिर किसी भी प्रोडक्ट को कहीं से भी खरीदें तो आप लोग उसकी एक्सपायरी डेट को चेक करके ही खरीदें। तो इसको आप लोगों को कूल डार्क और ड्राई प्लेस में स्टोर करके रखना है। अगर एक्सीडेंटली आप लोग इसकी ओवरडोज कभी भी ले लेते हैं तो आप लोगों को अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है और बच्चों से जो है इसको दूर रखना है।